बन जाता, कृष्ण मंदिर बन जाता, काशी विश्वनाथ बन जाता, मैं दावे के साथ कहता हूँ कश्मीर का आतंकवाद नहीं होता, भारत में आतंकवाद देश के अंदर भारत माता के पुत्रों का राज्य होता, फिर कोई हिम्मत नहीं करता वंदे मातरम मत हो उसके प्रति हराम खोरी करते हो, ऐसा हराम खोरी करते हो। केवल दारुल उलूम नहीं, हर जेहादी इसमें गोरा बना हुआ है जो धमकी देता है और कुछ लोग इस धमकी का ही झुकते हैं। लेकिन हिंदू समाज का सामर्थ्य बार बार सामने आ चुका है, गुजरात में भी देखा, मुजफ्फरनगर में भी देखा। मुझे लगता है अब इनको धमकी देना बंद करना चाहिए, हिंदू विजय पथ की ओर चल पड़ा है और हिंदू विजय प्राप्त करके रहेगा, मंदिर बना चाहिए। सर 4.5 साल सरकार को हो चले हैं लेकिन आज तक भी मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है, क्योंकि दो तरह की बातें रही हैं। यहाँ के जो संस्थापक थे उनके जो गुरु थे वो वहाबी संप्रदाय के प्रचारक थे और वहाबी आतंकवाद का जनक है, इसीलिए मैं साफ शब्दों में कहता हूँ क्यों यहाँ से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आखिर क्यों ऐसे मदरसे जिनका कनेक्शन है वहाँ से आतंकवादी पकड़े जाते हैं, इसका मतलब बड़ा है। क्यों 65 आतंकवादी केवल 5 साल में पकड़े गए, इनका संबंध यहाँ से, इसका मतलब कुछ तो है और इसलिए सफाई नहीं चाहिए उनकी तरफ से, राज्य सरकार से उनकी जांच। आप समझ रहे हैं कि सरकार का फेलियर है कि 5 साल, इन 5 सालों के अंदर कोई दारुलूम को बंद नहीं कर सके, 5 साल में आप सरकार निश्चित दारुलूम को नहीं बंद कर सके। निश्चित तौर पर देश में जो सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश में कमजोरी, मैं पूछ रहा हूँ सरकार का फेलियर है क्या ये जो सरकार दारुलूम बंद नहीं कर सकी, पहले वाली सरकारों का निश्चित, अब 5 साल, अब 5 साल और 1.5 साल में सरकार के कारण से ही उनके पाप सामने आ रहे हैं। आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि राम, मान लो राम मंदिर बने, लेकिन सरकार को भी 4.5 साल हो गए हैं लेकिन आज तक भी राम मंदिर नहीं बनाया गया। सरकार के लिए कोर्ट में था और हमें लग रहा था कि शायद कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा, लेकिन कोर्ट से टाल दी गई और अब जब तक भी चैन से बैठा जाएगा जब तक